जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनके मन में हमेशा ये क्वेश्चन उठते रहते हैं कि डायबिटीज़ में घी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कई बार डॉक्टर घी खाने की सलाह देते हैं और कई बार वो मना करते हैं। और जैसे कि डायबिटीज़ में घी तेल मसाले से परहेज करने की सलाह देते हैं, इसलिए लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठते रहते हैं कि हमें घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो आप घी बेशक ले सकते हैं और आप गाय का घी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप मत लीजिए देसी घी, और उसको कंट्रोल में लीजिए, कभी कभी ले सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ख़राब लाइफस्टाइल के कारण डायबिटीज़ आजकल मैक्सिमम लोगों को हो जाता है। इससे हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसको लेके हमेशा मन में आशंका बनी रहती है। शुगर कम लेना है, शुगर की मात्रा जिन चीज़ों में ज़्यादा रहती है उसको नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें मन में चलती रहती है। तेल मसाले आदि से बचना है, लेकिन देसी घी का क्या करें, इसको हम ले कि नहीं ले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जिनको शुगर होती है वो डॉक्टर से भी पूछते हैं। तो डाइटिशियन के अनुसार देसी घी में स्वास्थ्य फैट होता है जो आपके खाने में मौजूद पोषक तत्वों को नष्ट नहीं होने देता है, और इसी प्रोसेस के कारण ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है, और जिससे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको देसी घी ले सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा ना हो। लिमिट में देसी घी का सेवन करें तो डायबिटीज़ पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी सही रहता है, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल भी रहती है। और अगर आप देसी घी का यूज़ कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रहेगा। कई डाइटिशियन के मुताबिक देसी घी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है, वहीं कुकिंग ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप रिफाइंड या किसी भी तरह का देसी घी इस्तेमाल करें, और डाइटिशियन के अकॉर्डिंग घी में फैटी एसिड मौजूद होता है जो हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि गाय का ही आप घी लें, और इससे आपको कब्ज की समस्या भी नहीं होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।